जिंदगी की खुली खिड़की पर उड़ते गिरते रहे थे मौसमी किस्से पर्दों की तरह, और गमलों में खिलते झरते रहे थे नज़मों के फूल। अपने आंगन में बैठी लड़की धुंध के बदन पर मलती रही थी कविताओं की धूप, और सामने लटकती तारों पर घर की औरतें डालती रही थीं धुली हुई रंग बिरंगी कहानियों की चादरें। हर सुबह एक नीला स्कार्फ ही था कि निकला था किसी अलमारी से, बड़े दिनों बाद भूले भटके कहीं। नीला स्कार्फ कुछ सुना सुना सा लगा क्या? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुलता राजनायर और आप सुन रहे हैं मेरा खास शो किताबें। और आज मैं जिस किताब के पन्ने पलटने वाली हूं उसका नाम है नीला स्कार्फ, जिसे लिखा है मेरी बेहद चहेती राइटर और बहुत प्यारी दोस्त अनु सिंह चौधरी ने। ये किताब 2014 में हिंद युग्म से प्रकाशित हुई थी और आज ये फिर मेरे सामने लोगों की जुबान पर चली आई है, क्योंकि अभी अभी हार्पर कॉलिंस से इसका अंग्रेजी तर्जुमा आया है, जिसका टाइटल है द ब्लू स्कार्फ एंड अदर स्टोरीज। अनुवाद किया है कामायनी शर्मा ने। नीला स्कार्फ में शामिल हर कहानी के केंद्र में औरत है, या बेहतर ये कहना होगा कि कहानी के केंद्र में वो औरतें हैं जो किसी न किसी रूप में हाशिए पर पटक दी गई हैं। अलग अलग उम्र की औरतें समाज के अलग अलग तबके से हैं, सबकी समस्याएं अलहदा हैं पर दुख एक से। उन्हें ना समझे जाने का दुख, उन पर फैसले थोप दिए जाने का दुख, और उनके दुख को ना समझने का दुख। अनु बेहद संवेदनशील लेखक हैं, क्योंकि वो इंसान ही ऐसी हैं, और उनका ये तरल भाव उनकी कहानियों से पन्ना दर पन्ना छलक छलक कर बाहर आ जाता है। मैंने जब पहली बार नीलेश मिश्रा जी की मंडली में बतौर राइटर ज्वाइन किया था, तब अनु मेरी मेंटोर थीं, तो उनकी राइटिंग, उनकी थॉट प्रोसेस मुझे यूं भी बहुत प्रभावित करती है और छूती भी है। ये जो दूसरा बन के देखने की बात हम करते हैं ना, वो नीला स्कार्फ की हर कहानी में पाठकों को महसूस होगा। अनु ने हर पात्र को जैसे खुद जिया है। शुरुआत मैं टाइटल स्टोरी से ही करती हूँ। ये एक शादीशुदा जोड़े शांभवी और अमितेश की कहानी है। शांभवी शादी के 3 महीनों में ही गर्भवती हो जाती है। अमितेश को लगता है कि वो अभी फैमिली प्लान करने के लिए तैयार नहीं, और शांभवी से अबॉर्शन करने के लिए जोर देता है। वो मना नहीं कर पाती और अपने पहले बच्चे को खो देने का दुख आखिर उसे बहुत मजबूत बना देता है, और फिर वो अपने हक में फैसला लेती है। अनु सिंह चौधरी की कहानियों की भाषा एकदम सहज, सरल और सधी हुई है, क्योंकि वो भी मेरी तरह रेडियो स्टोरीज लिखती थीं, इसलिए पाठकों को, श्रोताओं को कैसे पकड़े रखना है ये वो अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए उनकी कहानी में आपको एक प्रवाह मिलेगा, बहती जाएगी कहानियाँ बिना कहीं अटके। बीच बीच में सुंदर वन लाइनर्स मिलेंगे, लेखक की अपनी राय, अपने विचार मिलेंगे, और मुझे लगता है ये बात किसी भी कहानी को एक पायदान ऊपर चढ़ा देती है। अनु की कहानियों की एक बात और मुझे अच्छी लगती है, वो है उनके डायलॉग्स। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ एक कहानी के कुछ डायलॉग। कहानी का शीर्षक है सिगरेट का आखिरी कश। ये एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। दरवाजे की घंटी बजी और फोन से सुबह तक के लिए निजात मिल गई। सिगरेट नहीं मिली, गाड़ी नहीं रोक सका कहीं, लड़के ने कहा। मुझे मिल गई, पियोगे? उसने पूछा। ओह नो थैंक्स, लड़के ने कहा। वोदका या बियर? उसने पूछा। कुछ खास है? लड़के ने पूछा। नौकरी की दूसरी सालगिरह है, अगले 25 साल वहीं टिके रहने का वायदा करके आई हूँ, उसने कहा। क्या चाहती हो? लड़के ने पूछा। पूछो क्या नहीं चाहती, जवाब देना आसान होगा, उसने कहा। तुम्हें उलझने की बीमारी है? लड़के ने पूछा। इतने सालों में आज पता चला है? उसने कहा। कुछ खाओगी? बाहर चलना है? लड़के ने शाम की बदमिजाजी बदलने की नाकाम कोशिश की। ग्रीन एप्पल वोदका के साथ काला नमक मस्त लगता है, उसने जवाब दिया। आई गिव अप, लड़के ने कहा। बचपन से जानती हूँ तुम लूजर हो, उसने जवाब दिया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई फील लाइक शेकिंग यू अप, लड़के ने झल्ला के कहा। यू वोंट, बिकॉज आई डोंट परमिट।
तुम तो मुझे छूने के लिए भी मुझसे इजाजत मांगते हो, सिगरेट का गहरा कश लेते हुए उसने आराम से जवाब दिया। आर यू ड्रंक, लड़के ने प्यार से पूछा। देखकर क्या लगता है, उसने उतनी ही बेरुखी से जवाब दिया। लगता है कि कोई फायदा नहीं, हम बेवजह कोशिश कर रहे हैं, मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए, लड़के ने हार कर कहा। दरवाज़ा तुम्हारे पीछे है, जाते जाते मुझे सिगरेट की एक डब्बी और देते जाना, रूममेट को चाहिए हो शायद, हम आधी रात को कहाँ खोजते फिरेंगे, लड़के ने बात ही ख़त्म कर दी। ये कहानी का हिस्सा है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कितनी गहराई थी इन डायलॉग्स में, कितने मायने थे इन बेतुकी बातों में। अनु एक मंझी हुई लेखक हैं, आप आर्या और ग्रैंड जैसी सफल सीरीज की को राइटर हैं। मेरे लिए अनु का लिखा ऐसा है जैसे कोई सामने बैठकर बातें कर रहा हो, जैसे हम पढ़ नहीं रहे, सुन रहे हों किसी की बातें चुपके चुपके, जैसे अनु की कहानियों का कोई पात्र हम ही हों, कि जैसे अनु ने कभी चुपके चुपके झांक लिया हो हमारा जीवन। अगली कहानी या कहानी की नायिका जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी वो है बसे सरबो यानी चंपा कली। ये कहानी आपको भीतर तक बींद देगी। इसमें नायिका का पति उसे एक रात के लिए अपने मालिक को सौंप देता है, जैसे कि पत्नी उसकी जागीर हो। पत्नी को वहाँ भेजने के बाद बसे सर खुद बेचैन रहता है। चंपा कली वहाँ से लौट के जो उसे बताती है वो हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, जो घटना बसेसर ने देखी नहीं उस घटना के शब्द चित्र बसेसर बो ने 3 वाक्यों में समेट दिया है। कह दिए हम बड़का बाबू को, हाथ एक ही शर्त पर लगाने देंगे, उनकी प्यास जितनी बड़ी बड़की कन्या की भी प्यास है, बड़की कन्या को बसेसर दे दो एक रात के लिए, तुम बसेसर को रख लो चाहे कितनी ही रातों के लिए। बसेसर सुन हो गया और चंपाकली पोखर में उतर गई है, पानी अंजुरी में भरकर मुंह में ले लिया है, फिर पानी में पानी के कुल्ले फेंक रही है, कटे हुए होंठों से रिश्ते खून वाले पानी के कुल्ले, फिर उसी पानी से हाथ और माथे पर आए जख्मों को धो रही है। बड़का बाबू ने बसेसर बो के दुस्साहस का बड़ा साहसिक जवाब दिया है। हाथ मुंह धोकर बसेसर बो मलकाइन के आंगन लौट गई है, ब्याह के बाद का घर समेटने, सीटने साटने, मलकाइन के गोतिया पाटीदार लोगों के यहाँ कलेवा की मिठाई का बायना बांटने, शाम की चाय बनाने, चूल्हा सुलगाने, आलू छीलने और रोटी बेलने, आंगन में घुटनों तक साड़ी खींचे बसेसर बो भर परात आटा लिए गूंधे बैठी है और जोर जोर से गा रही है, बलमुआ भैले दरोगा हम हो गईन दरोगाइन। बड़की कन्या अपनी कोठरी में बसेसर बो की चोट पर लगाने के लिए सुफ्रामाइसिन लिए बैठी है और वहीं से उसका बेसुरा गीत सुन सुनकर मुस्कुरा रही है। ये कहानी पढ़कर मेरा गला रुंधाया, आपको भी ये कहानी इतना ही असर करेगी। औरत के मन की गहराइयों को छुआ है लेखक ने और औरत की देह की पेचीदगियों की भी बात की है, इसलिए ये किताब जितना किसी लड़की किसी औरत के लिए ज़रूरी है उतना पुरुष के लिए भी है। औरतों पर लिखी किताबें अगर पुरुष पढ़ें तो कितना अच्छा हो ना, औरतों के मन को उनकी देह को मुश्किलों को समझें तो कितना अच्छा हो। तो आप सब पढ़िए अनु सिंह चौधरी की लिखी 12 कहानियों वाली इस किताब को, हिंदी में नीला स्काफ और अंग्रेजी में द ब्लू स्काफ एंड अदर स्टोरीज। यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद कई कई दिन तक उस स्काफ का नीला रंग आंखों में हिलोर लेता रहेगा। अनुलता राजनायर आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी यहीं किसी नई किताब के पन्ने पलटते हुए। सुनते रहिए मेरा शो किताबें।